अगर ऊपर वाला मेहरबान हो तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। मैं जिक्र कर रहा हूं छत्तीसगढ़ के सुकमा का रहने वाला सहदेव के बारे में, जो कि आज पूरी दुनिया में अपनी आवाज के बदौलत पॉपुलर है। बेहद गरीबी भरी जिंदगी जीने वाला ये लड़का पूरी दुनिया में आज पॉपुलर है, और ये पॉपुलरिटी महज एक रात में मिल गई। जी हाँ, इंटरनेट पर रातों रात इनका वीडियो वायरल हुआ और पूरी दुनिया इन्हें जानने और पहचानने लगी। इसके बाद से पूरी दुनिया में यही चर्चा है कि बच्चा इतना गरीब है कि इनको खाने तक के लाले हैं, इनको आखिर कौन सी मदद मिल गई है। जी हाँ, मैं आज आपको इस बच्चे का पूरा घर दिखाऊंगा कि बच्चा किस कंडीशन में रह रहा है, इनके घर में खाने के लिए क्या है, इनके घर की स्थिति आखिर क्या है, कमाने वाले कौन है, क्या इंसान इतना भी गरीब हो सकता है क्या, अगर गरीब है तो आखिर इन्हें मदद क्यों नहीं मिला, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बादशाह की तरफ से इन्हें जो बड़ी मदद मिली है, जिसके बाद से इंसानियत का राज कायम हो गया है। लोग कह रहे हैं कि इंसान हो तो ऐसा, बादशाह ने इस बच्चे को एक बड़ी मदद दे दी। चलिए मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूं कि आखिर इस बच्चे को बादशाह ने कौन सी मदद दे दी है, जिसके बाद से हर तरफ बादशाह की तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इंसान हो तो ऐसा। जी हां, बॉलीवुड की दुनिया में भी, सिंगिंग की दुनिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिल में वाकई में कोमलता है, जिनके दिमाग में वाकई में ऐसा चलता है कि देश में जो गरीब हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, उनको एक बड़ा मंच दिया जाए, उनकी जिंदगी बदली जाए। बादशाह ने यही सोचा, तो तारीफ आपको भी करनी चाहिए। दोस्तों, तो मैंने आपसे जिक्र किया है, मैंने आपसे वादा किया है कि मैं वो घर दिखाऊंगा जिस घर में ये बच्चा रहता है, और मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर बादशाह ने उन्हें कहां पर घर दे दिया है, जिसके बाद से सहदेव की पूरी जिंदगी बदल गई है। जी हां, बच्चा बुरा कंडीशन में रह रहा है और इस कंडीशन को बादशाह ने देखा है। बादशाह के देखने के बाद उनके आंख से आंसू बहने लगे और वो कह रहे हैं कि क्या वाकई में हमारे देश में इंसान ऐसे कंडीशन में भी रहते हैं। जी हां, बादशाह ने ऐसा कंडीशन देखा ही नहीं था, लेकिन सहदेव के कंडीशन को देखने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि देश में आज भी ऐसे लोग हैं जो कि बेहद ही गरीब है, और गरीब लोगों में भी टैलेंट की कमी नहीं है, उनका कद्र होना चाहिए, उनको प्लेटफॉर्म मिलनी चाहिए, उनको जगह मिलनी चाहिए, ताकि वो अपनी प्रतिभा के बदौलत पूरी दुनिया पर राज करे और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो। इंटरनेट पर वायरल होने के बाद लगातार कई लोग इनके घर पर आ रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल इनके घर पर आए। बाकायदा बघेल ने इनके गाने को भी सुना, और इंटरनेट पर गाना गाने वाला वीडियो जो कि बघेल के सामने ये बच्चा गा रहा है तेजी से वायरल चल रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि बघेल पूरी तरीके से खुश है और इनकी गायकी को सुनकर ये मंत्रमुग्ध है। मंत्रमुग्ध होने के बाद आखिर बघेल ने इस बच्चे को क्या दिया है, मैं भी आपको बताऊंगा, क्योंकि जिस कंडीशन में यह रह रहा था, यह कंडीशन बघेल के लिए भी काफी चिंताजनक था कि एक कलाकार बच्चा, देश का बच्चा इतना गरीबी भरी जिंदगी जीता है क्या। तो मुख्यमंत्री को भी दया आया और मुख्यमंत्री ने इस बच्चे को एक बड़ा उपहार दे दिया। जी हां, मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा है कि इस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए हम पुरजोर मदद करेंगे, प्रशासन सरकार सब इनके पीछे है, ताकि ये आगे जा सके और बड़ा मुकाम हासिल कर सके, छत्तीसगढ़ का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सके। और उन्होंने उनके घर की कंडीशन को देखते हुए कहा कि मैं इनके घर को पक्की कराने और घर की स्थिति को बेहतर करने का वादा करता हूं, और कई लाख का जो चेक है वो बच्चे को मिला है, इस खबर का दावा किया जा रहा है। और बादशाह के बारे में जो बातें की जा रही है कि बादशाह ने भी इस बच्चे को बड़ी मदद दी है। जुकाना बादशाह के साथ ये बच्चा गाएगा, उसके बदले इन्हें लाखों की रकम मिलेगी। कुल मिलाकर यही कहना है कि सहदेव की जिंदगी अब पूरी तरीके से बदल गई है। जी हां, जो सहदेव कल तक गरीबी भरी जिंदगी जी रहा था, झोपड़ी में रह रहा था, अब वो महल में रहेगा, उनके पॉकेट में भी पैसे होंगे, वो भी अपने परिवार के लिए कुछ खरीद पाएगा, अब पूरा घर ठीक से चल पाएगा। दोस्तों, 2 साल पहले इस बच्चे ने स्कूल में गाना गाया था, जब ये 5वीं क्लास में था, टीचर ने इनका वीडियो बनाया, इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। 2 साल बाद ये वीडियो वायरल हुआ और आज ये पूरी दुनिया में स्टार बन चुका है। आज ये 7वीं क्लास में पढ़ रहा था, लेकिन गरीबी देखिए कि इस बेचारे को पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी, और ये 7वीं क्लास का बच्चा मजदूरी कर रहा था। आपको यकीन हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये 7वीं क्लास का बच्चा मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा था, ये इस कंडीशन में रह रहा था, लेकिन इंटरनेट की महिमा और बादशाह की दरियादिली कही जा सकती है कि किस तरीके से इन्होंने इस बच्चे की मदद की, और इंटरनेट के जरिए जो वीडियो वायरल हुआ,
इंटरनेट को भी धन्यवाद कहना जरूरी है और बादशाह की भी तारीफ करनी जरूरी है, क्योंकि इन्होंने एक गरीब बच्चे के टैलेंट को पहचाना और एक बड़ा मंच दे डाला, इनकी जिंदगी बदल डाली। हुआ यूं था कि स्कूल में एक छोटा सा प्रोग्राम चल रहा था। प्रोग्राम में सहदेव को खड़े होकर एक शिक्षक ने गाना गाने को कहा और मजाक मजाक में शिक्षक ने अपने कैमरे में उनके वीडियो को कैद कर लिया, फिर इंटरनेट पर छोड़ दिया। फिर क्या था, रातों रात ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल होने लगा और ये वीडियो बादशाह के पास भी पहुंच गया। जी हाँ, बॉलीवुड के पॉप सिंगर बादशाह ने जब सहदेव का वीडियो देखा तो खुशी से उछल पड़े और एक यूट्यूबर की मदद से उन्होंने सहदेव को कॉल कर लिया और सहदेव को कहा कि क्या तुम मेरे साथ गाना गाओगे। इसके बाद इसी शब्द ने किस्मत ही बदल डाली। जी हाँ, सहदेव आज पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया है। मैं आपको उनका पूरा वीडियो दिखाऊंगा, स्टेज शो के बारे में बातें की जा रही है वो भी दिखाऊंगा और बादशाह और म्यूजिक कंपनी की तरफ से सहदेव को कितने पैसे दिए जा रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, शुरुआती दौर, जी हाँ, आपको याद होगा रानू मंडल के बारे में सबको पता है कि वो भी पश्चिम बंगाल के रानाघाट रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर अपना पेट भरा करती थी, लेकिन एक इंटरनेट पर वायरल वीडियो ने उनकी जिंदगी बदल दी और उन्हें हिमेश रेशमिया के साथ गाने का बड़ा मौका मिल गया और फिर लखपति बन गई। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं सहदेव की। सहदेव, जी हां, वो पांचवी क्लास का बच्चा था। किसी तरह घर का पालन पोषण चल रहा था, बेहद ही गरीबी भरी जिंदगी। आप इनके चेहरे को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी स्थिति कैसी है, इनके पीछे वाला जो बैकग्राउंड है उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसी जिंदगी जी रहा है। लेकिन बादशाह ने इनकी किस्मत ही बदल दी है। इसको लेकर हॉलीवुड के पॉप सिंगर बादशाह की हर तरफ तारीफ हो रही है। तारीफ तो हिमेश रेशमिया की भी हुई थी, लेकिन रानू मंडल की क्या हालत है अभी ये सबको पता है। शुरुआती दौर में हिमेश रेशमिया पर ये संगीन इल्जाम लगे थे कि रानू मंडल का इस्तेमाल करके उन्होंने खुद को फेमस किया और खुद के गाने को फेमस किया। लेकिन बादशाह ने इनकी जिंदगी का जो डोर संभाला है, बादशाह ने इनको गाने के लिए बुलाया है। बड़ा सवाल ये है कि क्या बादशाह भी सहदेव को आगे तक ले जाएगा, बादशाह भी सहदेव को आगे तक मदद करेगा या फिर एक ही गाना गवाकर उन्हें छोड़ देगा, ये देखना होगा। दोस्तों, इंटरनेट पर वायरल खबर में इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि सहदेव और बादशाह का एक स्टेज शो हुआ है, लेकिन ये खबर कितना सही है अभी तक इसकी पड़ताल नहीं हो पाई है। ऐसा लग रहा है कि ये खबर खुशी खुशी में किसी ने बना दिया होगा, लेकिन अब जो चीजें सामने आई है कि सहदेव की जिंदगी बदल गई है, बादशाह ने उन्हें बुला लिया है, ये सब कुछ सही है। देखना ये होगा कि आगे की प्लानिंग, आगे का जो गाना है कि क्या इस गाने के बाद जो सहदेव ने गाया है, इस गाने के बाद भी उन्हें कोई गाना मिलता है या फिर इन्हें घर भेज दिया जाता है। फिलहाल बादशाह की तारीफ हर तरफ हो रही है, तारीफ हमें भी और आपको भी करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक गरीब बच्चे को बड़ा मौका दे दिया है। अगर इस गाने के जरिए, बादशाह के इस गाने के जरिए सहदेव पॉपुलर होता है, सहदेव अपनी आवाज के जरिए पॉपुलर होता है, तो वाकई में उम्मीद जताई जा रही है कि सहदेव बॉलीवुड का आने वाला बड़ा रैप सिंगर बन सकता है। दोस्तों, अगर आप भी बादशाह की दरिया दिली के बारे में सबको बताना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।